मेजर द फिजिकल क्वांटिटी. जैसे मास के लिए हम लोग केजी लगाते हैं, टेम्परेचर के लिए डिग्री सेल्सियस केल्विन, ठीक है, करंट के लिए एम्पियर लगाते हैं. तो ये सब क्या है, स्टैंडर्ड है. अब आता है इसके बाद सिस्टम ऑफ यूनिट्स. सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है, एक सिस्टम बना लिया गया जिसके अकॉर्डिंग, मतलब सभी लोग जैसे मास को केजी में मेजर करेंगे, ताकि हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे को जब डाटा या फिर कुछ नॉलेज ट्रांसफर करेंगे तो उसको इजीली वो चीजें समझ में आ जाएगी. इसलिए हम लोग क्या बनाते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं जिसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स. ये बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है. पहले जो सिस्टम चलता था वो चला करता था सीजीएस सिस्टम. उसी समय जब अंग्रेज थे तो अंग्रेजों ने एक सिस्टम बनाया, दैट इज एफपीएस सिस्टम, इसको ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं. एफपीएस के बाद जो सिस्टम आया अब वो आया एमकेएस. फिर एमकेएस के बाद जो सिस्टम आया वो आया आपका एसआई सिस्टम. अभी जो प्रेजेंटली चल रहा है वो आपका एसआई सिस्टम चल रहा है, ठीक है. तो सीजीएस सिस्टम में, एफपीएस, एमकेएस, एसआई सिस्टम में, इन सब में लेंथ को, मास को, टाइम को किस किस में मेजर करते हैं वो लिखेंगे हम लोग. तो लेंथ को सीजीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग सी फोर सेंटीमीटर होता है, तो लेंथ को हम लोग मेजर करते थे उसमें सेंटीमीटर में. एफपीएस सिस्टम में एफ फोर होता है फुट, तो उसको मेजर करते थे हम लोग फुट में. अभी भी हम लोग कहीं कहीं जगह फुट का ही इस्तेमाल करते हैं. जैसे किसी से भी हाइट वगैरह पूछो उसकी तो वो बोलेगा मैं 5 फुट का हूं, 5 फीट, 6 इंच, 5 फीट, 5 इंच, ठीक है. तो इस तरह से फुट का अभी भी यूज चल रहा है, ठीक है, कंप्लीटली गया नहीं है, अभी भी इसका यूज चल रहा है. फिर आता है एमकेएस, एम फॉर मीटर. तो एमकेएस सिस्टम में लेंथ को मेजर करते थे हम लोग मीटर में, और अब चल रहा है जो एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग भी लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में ही. फिर लेंथ के बाद आता है टाइम, मास. सीजे सिस्टम है जी फॉर ग्राम, तो उसको ग्राम में मेजर करते थे. एफपीएस सिस्टम में पी फॉर पाउंड, पाउंड में मेजर करते थे. एमके सिस्टम में के फॉर किलोग्राम या केजी, किलोग्राम में मेजर करते हैं. और एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग भी हम लोग किलोग्राम में ही मेजर करते मास को, ठीक है. एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग भी मास को हम लोग किसमें मेजर करते हैं, किलोग्राम में ही मेजर करते हैं. लेंथ, मास, फिर इसके बाद आता है आपका टाइम. सीजे सिस्टम के अकॉर्डिंग टाइम को मेजर करते हैं एस फोर सेकेंड. एफपीएस सिस्टम में एस फोर सेकेंड. एमके सिस्टम में भी टाइम को मेजर करते हैं सेकेंड में, और एसआई सिस्टम में मेजर करते हैं सेकेंड में. तो टाइम को हमें हमेशा से ही सेकेंड में ही मेजर करते आ रहे हैं. तो एक सिस्टम होता है, अभी जो आपका प्रेजेंटली सिस्टम चल रहा है दैट इज एसआई. एसआई की फुल फॉर्म होती है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट. एसआई की फुल फॉर्म होती है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है. एसआई के अकॉर्डिंग मास को, लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, मास को केजी में, और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, ठीक है. ये हम लोग क्यों स्टैंडर्ड्स क्यों बना रखे हैं, ताकि हम लोग जब हम डाटा एक दूसरे को एक्सचेंज करें तो हम लोगों को इजी रहे एक दूसरे की नॉलेज को अंडरस्टैंड करने में. इसलिए ये सिस्टम बनाया गया, ठीक है. अब देखो एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग मैंने बताया था 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है. यहां पर मैंने केवल 3 ही लिखी. वो 7 कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है उनके बारे में देखते हैं हम लोग. अभी जो सिस्टम चल रहा है एसआई, एसआई के अकॉर्डिंग देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी. अकॉर्डिंग टू एसआई देयर आर कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी.
इसको नाम याद रखना कौन कौन से है, सेवन फंडामेंटल क्वांटिटी है। पहला मास, ठीक है, इसके एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट होती है मास की, किलोग्राम, और इसके लिए हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इसको कैपिटल एम से। मास के लिए हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एम से। मास के बाद ले लो लेंथ, लेंथ एसआई यूनिट क्या होती है लेंथ की, मीटर। लेंथ के लिए हम लोग लिखेंगे एल, कैपिटल एल। फिर लेंथ के बाद आता है टाइम, टाइम को हम लोग मेजर करते हैं सेकंड में, और इसके लिए लिखूंगा मैं टाइम के लिए सिंबल लूंगा टी। टाइम के बाद नेक्स्ट जो क्वांटिटी है दैट इज करंट। करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है आपको पता हो शायद, एम्पियर होती है। तो करंट के लिए हम लोग यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे ए से, कहीं के जगह आई से भी करते हैं। करंट के बाद आता है आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर की ऐसा यूनिट होती है कैल्विन, डिग्री सेल्सियस नहीं होती है, कैल्विन होती है। कैल्विन के लिए हम लोग लिखेंगे के। फिर इसके बाद आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसको मेजर करते हैं किसमें, मोल में। आपने सुना हो वन मोल इक्वल टू 6.023 इंटू 10^23 वही वाला मोल, ठीक है। तो इसके लिए सिंबल यूज करूंगा मैं एम ओ एल, सिर्फ एम ओ एल। एंड नेक्स्ट जो सेवन फंडामेंटल क्वांटिटी है दैट इज लुमिनस इंटेंसिटी। ये आपको तीनों सातों के सातों क्वांटिटी याद रखनी है, लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है कैंडेला, क्या होती है कैंडेला, और इसके लिए क्या सिंबल यूज करूंगा मैं सी स्मॉल डी, सी डी सिंबल यूज करूंगा, ठीक है। तो ये सेवन फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। आई बात समझ में शिवम, दीज आर सेवन फंडामेंटल क्वांटिटी। डायमेंशन क्या होता है, मैंने बताया था कि किसी भी क्वांटिटी को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी में ब्रेक कर सकते हैं। तो अगर मैं किसी क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी में ब्रेक करूं, और फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो पावर होगी, जैसे वहां पर मास की पावर वन थी, लेंथ की पावर वन, टाइम का जैसे स्क्वायर हो गया था, तो जो पावर होती है उन पावर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। उन पावर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशन। तो क्या लिखोगे आप इसमें, पावर रेस टू, पावर रेस टू फंडामेंटल क्वांटिटी, पावर रेस टू फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशन। फंडामेंटल क्वांटिटी की जो पावर होती है उन्हीं पावर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं, ठीक है। पावर रेस टू फंडामेंटल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया था फोर्स, फोर्स नहीं लेते, चलो स्पीड ले लेते हैं। स्पीड को जब मैंने फंडामेंटल क्वांटिटी में ब्रेक किया था, स्पीड को क्या लिखा था, स्पीड का जो फॉर्मूला था क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही था। डिस्टेंस को मैंने क्या बोल दिया था, डिस्टेंस एक तरह की क्या है, लेंथ है, तो मैंने बोल दिया था इसकी को ये लेंथ अपॉन टाइम होता है। तो लेंथ के लिए देखो, लेंथ के लिए हम लोग क्या सिंबल यूज करेंगे, लेंथ के लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं एल, और टाइम के लिए क्या करते हैं टी। अब इनको एक साथ लिखेंगे, यहां पर मैं लिखूंगा देखो एल की पावर कितनी है यहां पर, क्या एल की पावर वन मान सकता हूं, अगर पावर नहीं है मतलब सिर्फ एल है तो पावर क्या होगी वन। टी को ऊपर ले जाओ, तो टी को ऊपर ले जाएंगे तो टी की पावर क्या हो जाएगी, माइनस वन। और यहां पर मास नहीं है, मैं चाहता हूं कि यहां पर मास भी लिखूं, मास नहीं है लेकिन मास को भी मैं लिखना चाहता हूं, तो मास पर पावर क्या लगाऊंगा, जीरो। तो ये जो पावर आई, इन पावर्स को ही हम लोग बोलेंगे डायमेंशन। तो कोई मेरे से पूछे कि क्या होती है स्पीड की डायमेंशन, तो डायमेंशन ऑफ स्पीड
कोई पूछे डायमेंशन क्या होती है स्पीड की, तो आप क्या बोलोगे? स्पीड की डायमेंशन मास पे पावर कितनी है? जीरो। तो आप बोलोगे जीरो इन मास। मास की पावर कितनी है? जीरो। तो आप बोलोगे मास जीरो इन मास। लेंथ पे पावर कितनी है? वन। तो क्या बोलोगे? वन इन लेंथ। और टी पे पावर कितनी है? माइनस वन। तो आप बोलोगे माइनस वन इन, माइनस वन इन टाइम। जीरो इन मास, वन इन लेंथ एंड माइनस वन इन टाइम। दिस इज द डायमेंशन ऑफ स्पीड। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डायमेंशन निकालते हैं। ठीक है, और इस चीज पूरी पूरे चीज को क्या बोलेंगे? इसको इस तरह के एक ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे। इसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं शायद, इसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे तो ये चीज जो बन जाएगी इसको बोलेंगे डायमेंशन फॉर्मूला। इसको बोलेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड। ये स्पीड का क्या हो जाएगा? इसको बोलेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड। कोई मुझसे पूछे डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का, तो मैं बोलूंगा एम जीरो एल वन टी रेस टू पावर माइनस वन। एम जीरो एल वन टी रेस टू पावर माइनस वन, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला और एक्चुअल फॉर्मूले में बहुत अंतर होता है। ये है स्पीड का एक्चुअल फॉर्मूला, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। और एम जीरो एल वन टी रेस टू पावर माइनस वन, इसको बोलेंगे हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला। चलो एक और की डायमेंशन निकालते हैं हम लोग। जैसे मैंने हमने फोर्स भी पढ़ा था वहां पे, तो फोर्स क्या आया था आपको याद हो? फोर्स क्या आया था? फोर्स को हमने ब्रेक किया था, तो फोर्स का फॉर्मूला था मास इनटू एक्सीलरेशन। और मास की जगह मैं क्या लिखूंगा? एम लिखूंगा। और एक्सीलरेशन क्या आया था? लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर। क्या आया था? लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर आया था। ठीक है, तो देखो यहां पे मास की जगह आप एम लिख दिया आपने, लेंथ की जगह क्या लिखोगे? इनटू एल। और टाइम की जगह क्या लिखोगे? टी। तो टी का स्क्वायर सॉल्व करो इसको। देखो एक साथ ऊपर लिखो, एम की पावर हो जाएगी वन, एल की पावर हो जाएगी वन, टी की पावर क्या हो जाएगी? माइनस टू। टी ऊपर जाएगा, पावर क्या हो जाएगी? माइनस टू। इसको इस तरह के ब्रैकेट में बंद कर दो तो क्या बन गया? ये फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। और कोई पूछे फोर्स की डायमेंशन बताओ, तो डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होगी? डायमेंशन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायमेंशन होगी, देखो मास पे कितनी पावर है? वन। तो आप बोलोगे वन इन मास। लेंथ पे कितनी पावर है? तो आप बोलोगे वन इन लेंथ। और टाइम पे कितनी पावर है? दैट इज माइनस टू। तो आप बोलोगे माइनस टू इन टाइम, माइनस टू इन टाइम। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं? डायमेंशन निकालते हैं। आया समझ में शिवम? तो होमवर्क लिख लो, फाइंड डायमेंशन ऑफ फॉलोविंग। आप फॉर्मूला देख सकते हो, फाइंड डायमेंशन ऑफ फॉलोविंग। तो सबसे पहले लेते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम की डायमेंशन निकालो। फिर दूसरा ले लेते हैं हम लोग वर्क, तीसरा ले लेते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी, और चौथा ले लेते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी। और पांचवा ले लेते हम लोग कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी।
कॉफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, ये आप इनके फॉर्मूले देख सकते हो, तो देखने के बाद सॉल्व करना। ठीक है शिवम,